अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज हमने अपने पेज पर इनवाइट किया है सर सादिक हुसैन को, जो कि कराची में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल रन कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि लर्निड एजुकेशनिस्ट हैं। एक तो होता है ना कि जनरली सिर्फ कोई कोई स्कूल ओन कर रहा हो या स्कूल को रन कर रहा हो, लेकिन एक ये है कि उसमें इनोवेशन लेकर आना टेक्नोलॉजी वाइज भी और लोगों की डेवलपमेंट के लिहाज से भी। तो मैं इनवाइट करता हूँ सर सादिक हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम उमेर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कोविड आ गया है, एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है, एग्ज़ाम्स भी अनाउंसमेंट हो गई कि बिल्कुल ही एंड हो रहे हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि इतनी यंग एज में, जबकि लोग कॉर्पोरेट में कैरियर बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं, आपने व्हाई यू चूज कि आप एक स्कूल ओन करेंगे और स्कूल रन करेंगे या एजुकेशन में आएंगे और स्कूल चलाएंगे? जी सर। एक्चुअली एजुकेशन में जो जो मैं करियर है वो तो मैंने बहुत लेट में स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले मैं वाबस्ता रहा हूँ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऐसी सर्विसेज देती थी। लेट सपोज दैट कि मैं जब बीकॉम कर रहा था तो मैं एक स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ा रहा था, और उससे पहले भी मैंने फर्स्ट ईयर से ट्यूशंस वगैरह दी हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर में मैं वैसे तो काम करता रहा हूँ काफ़ी, और मैं एज अ मैं मार्केटिंग मैनेजर भी रहा हूँ, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2009 में जो है वो अनीस हसन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी मैंने ज्वाइन किया एज अ हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है जी उमेर जी, जी? आवाज आपकी आ रही है। आवाज़ जी यस, जी तो आवाज आ रही, 2009 आ में रही, आ रही मैंने आवाज, जी 2009 में मैंने अनीस हसन आ स्कूल ऑफ रही। अकाउंटेंसी मैंने ज्वाइन किया, और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं वहाँ पे था। फिर उसके बाद मैंने अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में भी था मैं, तो वहाँ पे हम लोग ACCA, CA, CIMA क्वालिफिकेशन और डिफरेंट कोर्सेज हम लोग ऑफर करते थे जो कि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस थी जो हम लोग करवाते थे। और तो उसमें हम लोग BCOM और फर्स्ट ईयर सेकेंड, तो इन सारी चीज़ों से मेरा एसोसिएशन रहा। और फिर उसके बाद 2010 में मैंने ऑफिशियली जो है वो एक अपना स्कूल स्टार्ट किया। और स्कूल स्टार्ट जो करने की बेसिक जो रीज़न था वो ये था कि एज अ सदका जा रही है, मेरे वालिद साहब के नाम पे स्कूल है बेसिकली, है SHS और साबिर हुसैन। तो ये मैंने इनिशिएटिव लिया था, और एजेंडा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें और जो इस कॉज है, इस कॉज के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करें। तो एक ये हमारा जो बेसिक इनिशिएटिव था। सही सर। अच्छा सर, तो अब हम आते हैं ज़रा आज के टॉपिक की तरफ के क्योंकि बहुत कम मैं चूंकि खुद भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, एजुकेशन से, कॉलेज कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स वगैरह के साथ काम चलता रहता है। सो व्हाट आई हैव फाउंड के बहुत कम लोग मुझे अभी नज़र आए कोविड के बाद, जिन्होंने बहुत इंस्टेंट जो है ना वो डिसीजंस लिए, टेक्नोलॉजी को जो है ना वो एक्सेप्ट किया। जैसे वो है उमेर जालिया वाला की एक मिसाल अक्सर शेयर करता हूँ, उनसे सीखी थी मैंने कि चेंज इज़ लाइक अ ट्रेन, तो कुछ लोग तो उसमें फ़ौरन बैठ जाते हैं इंस्टेंट और वो अग्री मूव ऑन कर अग्री जाते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो उनके हाथ से गाड़ी निकल जाती है, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम चेंज के आगे आके खड़े हो जाएंगे और हम ट्रेन को जाने नहीं देंगे। सही तो पाकिस्तान में ये वाला बिहेवियर बहुत नज़र आता है, ख़ासतौर पर जो जितना पुराना है या जो जितने अरसे से इस फील्ड में, वो उतना ज़्यादा रिलेक्टेंट होता है किसी चीज़ को, नई चीज़ को स्टार्ट करने में या माशरे को नई वाली चीज़ को आने में समझने में और उसको एडॉप्ट करना तो बहुत दूर आगे की बात है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसको एडॉप्ट करना और फिर उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना या फर्स्ट मूवर होना। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा पहले तो हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि नाउ इस पेंडेमिक से सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट हुआ, मैं समझता हूँ वो एजुकेशन सेक्टर हिट हुआ। सो अग्रीड। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या जेन्युइनली स्कूल्स के या एजुकेशन इदारों के प्रॉब्लम्स हैं इस कोविड के आने के बाद, पहले तो हम उस पर थोड़ी सी सही, बात। जी सर। अग्रीड। देखिए, आपने जो पहली बात करी वो करी एटीट्यूड की, तो और ईगर टू लर्न। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि हमारे पास, हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो ईगर टू लर्न नहीं है। और वो जो एक फैक्ट्री है जिससे हम लोग निकल के आ रहे होते हैं,
वो उसी जो एक हमारा कॉन्टेम्प्री सिस्टम है वो उसी को फॉलो करते हैं, वो जो रिवायात हैं पढ़ने के, वो जो हमारे तौर तरीके जो सदियों से चले आ रहे हैं, हम उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आता है, चैलेंज हमें ये फेस करना पड़ता है कि जो जब किसी स्कूल में टीचर पढ़ाने आता है तो इनफैक्ट वो टीचर भी अपने स्किल के ऊपर काम नहीं करना चाहता, टीचर भी कुछ नया नहीं सीखना चाहता, वो कहते हैं जी हम तो इसी तरह से हमने पढ़ा है और यही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमारे उस्ताद ने हमें ऐसे पढ़ाया, तो लिहाजा हम भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। तो जो सबसे बड़ा मसला वो यही है कि हम जो है वो लर्न अगर अनलर्न भी नहीं करते और फिर लर्न की तरफ भी नहीं जाते, लर्निंग की तरफ भी नहीं जाते। तो जो सीखने की जो जुस्तुजू है, अब बहुत 21st सेंचुरी में बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ चेंज हो गई हैं, तो वो चीज लोग इतनी आसानी से उसको नहीं समझ रहे और उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो जो अगर अपने आप को अपडेट कर लेगा और इस चीज की तरफ इंपॉर्टेंस लेगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि जब हम अगर 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की बात कर लेते चले, उस वक्त के जो लोग थे उनका जो माइंडसेट था वो कुछ और था, वो इतने क्वेश्चंस नहीं करते थे, वो इतने सवालात नहीं करते थे, उन्हें जो बता दिया जाता था वो उस चीज को फॉलो करते थे। आज का बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है, आप उसे मार नहीं सकते, आप उसे डांट नहीं सकते, ठीक है, आप उसको आपके पास, और इनफैक्ट अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके साथ उसका जो एक रिलेशन है वो स्पॉइल हो जाता है, वो आपकी बात नहीं मानता, वो उस स्टेट के साथ क्लास में नहीं बैठता, उसका वो मेंटल स्टेट नहीं होता कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, आप उसे कोई सही बात भी बताएंगे तो वो उस चीज को नहीं समझेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि एज अ बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और हम सारे लोग जितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो कि टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल ओनर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी जो सोच है उसको ब्रॉडर माइंडसेट के साथ काम करें, छोटी सोच के साथ काम ना करें, और इनफैक्ट जो इनोवेशंस आई हैं, जो चीजें आ गई हैं, उनको अपग्रेड करें, चाहे वो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा कोई लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो हम आज भी मैं देखता हूँ स्कूल्स के अंदर वही एक जो एक तरीकेकार है, एक टाइम टेबल फॉलो हो रहा होता है, वही फॉलो हो रहा होता है, ब्रेक टाइम भी उसी तरीके से हो रही होती है। तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, तो हमें जरूरी है कि हम उस चीज को एडॉप्ट करें। और जो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है, जो इस COVID-19 से पहले की अगर हम बात करें, तो जब हमारे पास कोई टीचर आता है तो वो टीचर जो है वो अगर हम उन्हें ट्रेनिंग्स भी करवाना चाहते हैं, हम उन्हें वर्कशॉप्स भी करवाना चाहते हैं, तो वो इतनी आसानी से अपने आप को ग्रूम नहीं करना चाहता, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता। उसके लिए पहले हमें एक माइंडसेट जो हमारे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम चेंज लाना भी चाहते हैं तो वो जो टीचर जो क्लास में है, जो पेरेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी उसकी औलाद है जो हम टीचर के हवाले करते हैं, तो किसी भी इंसान की सबसे कीमती चीज मैं समझता हूँ उसकी औलाद होती है। तो जब वो इंसान दुनिया से चला जाएगा तो उसके पास जो एक चीज है जो उसके काम आएगी वो आएगी उसकी औलाद, और वही सदका जारिया है, वही आगे उसको जो, और हमारे लिए भी वही सदका जारिया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो टीचर है, जब हम उनके ऊपर भी मेहनत करते हैं तो बड़े 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 चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो पहले हमें उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, फिर वो जो पेरेंट हमारे पास आता है जो उसकी डिमांड है वो ही कॉन्टेम्प्री है जो चली आ रही है, यानी उसे वही एग्जामिनेशन सिस्टम चाहिए, उसे वही रट्टाफिकेशन चाहिए, उसे चाहता है वो कि भाई मेरे, अगर वो घर आया बच्चा स्कूल से और अगर कॉपी में काम नहीं हुआ तो पेरेंट कहता है इसका मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है। तो इट डजंट मीन कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, इट डजंट मीन कि टीचर ने क्लास में अगर कोई लेक्चर डिलीवर करा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई है। तो पेरेंट्स सिर्फ चाहता है कि जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा, तो ये इस चीज के लिए हमें पेरेंट भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें टीचर्स भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक पूरा एक सर्कल है जिसके ऊपर हमें ये चैलेंज हम फेस करते हैं। तो ये तो जब COVID-19 नहीं था तब, यानी ये हालात थे, और अब जब COVID-19 आ गया है और जब लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो हमारे पास दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जो टीवी चैनल्स पे देख के और सारा वक्त जो है ना वो नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और जो है ना वो डरे हुए हैं और सिर्फ उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन हो गया है और अब जो है सिचुएशंस बहुत कम है। और कुछ लोग हैं जो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जैसे आपका ये जो एक इनिशिएटिव है जिससे आप लोगों में एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अगर ये एक कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जिससे वो लर्न कर सकते हैं, तो उसमें भी लोग जो है वो इतने रेडी नहीं है कि वो अपना टाइम लगाएं और वो सीख लें। तो जो दूसरा माइंडसेट है हमारे पास
वो ये है कि वो अगर कुछ सीखना भी चाह रहे हैं तो उनके पास उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और किस तरीके से पॉसिबल होगा। अब पूरी दुनिया में चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और आप माशाल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज काफी टाइम से करवा रहे हैं, आपने देखा होगा आप माशाल्लाह बहुत पहले से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज में ये तो ये सिचुएशन है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं तो उन्होंने उन बच्चों ने, मैं जब उनसे पूछ रहा हूँ फीडबैक ले रहा हूँ कि भाई कैसी चल रही है क्लास और क्या हालात है, तो वो स्ट्रेस का शिकार है, वो बर्डन का शिकार है, वो कहते हैं यार सुबह 9 बजे उठना पड़ता है और क्लासेस रात में होनी चाहिए, सुबह नहीं होनी चाहिए, और जो है ना ये एक बड़ा मसला है लॉकडाउन में सब घर वाले सो रहे होते हैं, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बस हाँ हम ले रहे होते हैं, नींद में होते हैं, आधी नींद में होते हैं और आधी क्लास ले रहे होते हैं, तो ये वो बड़ी चैलेंज, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंडसेट इस तरह का है कि वो बड़ी मुश्किल से इन चीजों को चेंज को अडॉप्ट करते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो एक और मसला है वो ये भी है कि नई चीज को यानी किसी को एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वही जो तरीका है उसने उसी को फॉलो करना है, एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं जाना कि कुछ नया कुछ तजर्बा करके देखें, कुछ एक्सपीरियंस करके देखें कि क्या होता है और हो सकता है कुछ उसका बेनिफिट भी हो, उसका कुछ जो है वो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जब तक हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, जब कोई नई चीज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमारी कोई नई लर्निंग नहीं होगी। जब हम कुछ नया करते हैं, नए तरीके नए अंदाज से करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, तो एक ये वाला भी एलिमेंट है। और अब जो है लॉकडाउन में अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर हम ऑनलाइन सिस्टम पे भी जाते हैं तो टीचर को सबसे पहले ट्रेन करने की जरूरत है कि टीचर हमारे साथ उसके अंदर वो स्किल हो के वो ऑनलाइन पढ़ा सके, तो हम पहले टीचर्स को ग्रूम करेंगे, उन्हें उन्हें बताएंगे, और वो इतनी आसानी से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतनी आसानी से इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते वो, तो बात वही है कि जो अपने आप को चेंज करेगा वो फिर सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा तो वो उसको फिर प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। सही, तो इसमें एक और चीज भी आती है, वो ये आती है कि जो चैलेंजेस की आपने बात करी ना स्कूल्स को, जो आपकी दूसरा सवाल था वो आपने ये करा था कि चैलेंजेस जो है वो स्कूल्स को क्या फेस करने पड़ रहे हैं इस COVID-19 में। देखिए मैं समझता हूँ कि स्कूल्स को फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, जो देखिए इसमें ना ये समझने की जरूरत है हमें कि हमें ये समझना होगा कि तमाम स्कूल्स एक जैसे नहीं है, देयर इज अ हमारे पास जिस कराची में अगर 2.5 करोड़ की आबादी है तो हम यूं समझ लें कि हर इलाके के अपने तौर तरीके हैं, हर इलाके का अपना रहने का लाइफस्टाइल अलग है, उनका रहने का अंदाज अलग है, उनकी फीसेस अलग है, उनके एक्सपेंडिचर्स भी उस हिसाब से हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे पास 3 क्लास हैं स्कूल्स की, एक तो एलीट क्लास है और एक मिडिल क्लास स्कूल है, और जो हमारे पास जो एक और एक कैटेगरी और भी आती है स्कूल्स की कि जो जो बड़ी जरूरी है जिसको हम समझें कि जो बिलो 3000 फीस है, जैसे 2000, 2500, 1500, 1000 रुपए, मैं इवन ऐसे स्कूल्स को भी जानता हूँ जो 500 रुपए में पढ़ा रहे, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो किस तरीके से और क्या क्वालिटी जो है वो दे रहे होंगे, तो उन्हें भी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो अब जाहिर सी बात है पेरेंट बेचारा वो भी परेशान है, पेरेंट भी जो है वो इन सिचुएशन में जो है उन्हें भी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और वो भी जो है बड़े उन्हें मसाइल हैं, और मुझे बिल्कुल अच्छे से अंदाजा है कि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो हम सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखें कि पूरी एक लाइफ साइकिल थी जो एक पूरा जो घूम रही थी, एक पूरा एक व्हील था जो पहिया घूम रहा था और एक सर्कुलेशन हो रही थी, पेरेंट के पास जो है वो अमाउंट आता था, वो स्कूल्स को पे करते थे, स्कूल्स के बाद आता था उससे और बहुत सारे लोग थे जो एसोसिएटेड थे, मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा टीचर्स हैं, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, इसी तरीके से स्टेशनरी है, और बहुत सारे लोग थे जो इससे एसोसिएट थे। तो अब इसमें जो एलीट स्कूल्स हैं वहां तो पेरेंट फिर भी फीसेस पे कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में, क्योंकि बिकॉज दे कैन अफोर्ड, और वो जो है अगर मेरे ख्याल 6 महीने भी और 7 महीने भी लॉकडाउन रहे तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा और वो फीस पे कर रहे हैं और वो इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इवन मैं ऐसे पेरेंट्स से मिला हूँ कि जो कह रहे थे कि यार मैंने अगले 2 महीने की फीस भी जमा करा दिया, तो आई रियली अप्रिशिएट दैम, मैंने बोला कि आपने बहुत अच्छी बात की। तो और लेकिन जो अब जो हमारे पास जो ऐसे स्कूल्स आते हैं जिनकी फीसेस 2000, 2500 इनकी फीस है, वो स्कूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वहां पे जाहिर सी बात है कि स्कूल जो है कम्प्लीटली फंडेड होता है पेरेंट की फीस पे, तो जब पेरेंट फीस नहीं पे कर रहा है तो जो है स्कूल को वो चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स जो है इस पेंडेमिक से मुतासर होंगे और बहुत सारे स्कूल्स शायद बंद हो जाएंगे और बहुत सारे कुछ हो भी गए। मैं पर्सनली भी कुछ 3 से 4 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रेंटेड थी जिनकी बिल्डिंग्स और उन्होंने अपने स्कूल्स जो है वो क्लोज कर दिए, जिन्होंने अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो है उन्होंने अपने स्कूल्स ओपन करे थे तो उनके स्कूल्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं। देखिये
जाहिर सी बात है, देखिए मैं इसमें पेरेंट को ब्लेम नहीं दे रहा, इस ये बात समझने की जरूरत है कि पेरेंट के भी अपने मसाइल हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी अपने इश्यूज हैं, और मैं समझता हूँ कि स्कूल्स को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और जाहिर सी बात है इस वक्त इस सिचुएशन में सभी लोग मुतासर हैं, कोई एक बंदा नहीं है, मैं बोलूँ ये कोई एक ऐसी ऐसा कोई एक प्रोफेशन नहीं है कि जो सिर्फ वही जो है मुतासर हुआ है, बल्कि इस पूरी सोसाइटी में ही तमाम लोग इससे मुतासर हुए हैं। और एजुकेशन जो है मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा मसाइल आए, उसमें मसाइल इस तरह से आए, उसकी वजह यह है कि स्कूल कंप्लीटली पेरेंट फंडेड था, कोचिंग्स का भी यही, कोचिंग जो है उसमें भी यही इश्यूज थे कि वो कंप्लीटली पेरेंट फंडेड था और स्टूडेंट फंडेड था, उसके पास कहीं से कोई डोनेशन नहीं आता, उसके पास कहीं से कोई ऐसी कहीं से पैसे नहीं आते, तो जाहिर सी बात है कि जब उसके पास वो अमाउंट नहीं आएगा तो वो किस तरीके से जो है अपनी सैलरी, शायद मेरे ख्याल एक महीना कोई चला ले, दो महीना चला ले, लेकिन थर्ड मंथ पे आके या थर्ड फोर्थ मंथ पे जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो स्कूल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बहुत बड़ा तालीमी बहरान पैदा होने जा रहा है, मुझे ऐसा, ऐसी पर्सनल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और बहुत सारे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो जिस तरह से, क्योंकि देखें इसमें ना ये समझने की जरूरत है कि कुछ इलाके बहुत ज्यादा मुतासर हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा ऐसे, लेकिन हम सबको पता है कि जो है वो कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मुतासर हैं, जहाँ पे सिचुएशंस जो है, मिसाल के तौर पे अगर सैलरी क्लास की बात करूँ मैं, तो सैलरी क्लास भी बहुत सारी ऐसी है कि जो अब इस वक्त जॉब्स नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद 50% सैलरी मिली है, तो वो 50% सैलरी में अपना रेंट देंगे, अपनी जो जो जरूरियात है, अपनी नीड्स है, उनको फुलफिल करेंगे, तो कैसे उनके लिए मुमकिन होगा। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जिससे जो है जो पेरेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी अपनी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक जाती राय भी है, वो ये है कि स्कूल को ना दे वो गवर्नमेंट फीस, बल्कि वो पेरेंट को 1,000 से 1,500 रुपए पेरेंट को दे सब्सिडी, कि जिन स्कूल्स में 2,000 रुपए या 1,500 रुपए फीस है और जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा सकता और अफोर्ड नहीं कर पा रहा फीस, तो गवर्नमेंट रादर देन के इन्वेस्टिंग ऑन द अदर के जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, वो 1,000-1,500 रुपए पेरेंट को दे सकती है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और ये पेरेंट की चॉइस है, वो जहां पढ़ाना चाहे, जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में ही पढ़ाए, वो उसके अपने ऊपर है कि वो जहां से भी उसकी लर्निंग करवाना चाहे और वो उसको लर्न करवाए। सही। और एक और चीज, जी जी, एक और, एक लास्ट में एक और बात हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये करना चाहूंगा कि देखें इसमें जो इश्यूज हैं वो ये भी हैं कि ये समझने की भी जरूरत है कि मिसाल के तौर पे अगर एक देखें हर हर प्रोफेशन के अंदर ना बहुत कुछ अच्छी चीज, अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, ये बात समझने की जरूरत है हर प्रोफेशन में। मैं ताजर बिरादरी की बात करूं तो कुछ ऐसे भी ताजर हैं, हमें पता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। और मैं अगर किसी किसी भी प्रोफेशन को, मैं किसी को हाईलाइटिंग करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, तो इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें बुरे लोग भी हैं, पांचों उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं होती। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, TCF एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे इदारे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और एक क्वालिटी जो है अपनी मेंटेन करे हुए अफोर्डेबल फीस में। तो उन इदारों को मैं समझता हूँ कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे उसमें पेरेंट हो, पेरेंट को ये समझने की जरूरत है कि जो स्कूल है वो सारे स्कूल माफिया नहीं है, ये बात भी समझने की जरूरत है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है कि स्कूल पे, और अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये स्कूल जो है वो सिर्फ फीस ले रहा है और बच्चे को पढ़ा नहीं रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सबसे कीमती चीज जो आपकी औलाद है वो उस स्कूल के हवाले नहीं करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को किसके हवाले कर रहा हूँ, तो क्या उसका उसकी जो नीयत है उसमें सिर्फ अर्निंग है या तरबियत भी है, क्या उसने बच्चे को सिखाना है। तो अगर वो इस तरीके का काम कर रहा है और तो आप अपने बच्चे को उसके हवाले करें। और ये भी याद रखें कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं क्या उसके मालिक को आप जानते हैं, क्या उसके ओनर को आप जानते हैं, क्या आप उस तक उसके आपके पास एक्सेस है या नहीं है, ये भी जरूर चेक करें। तो बहरहाल एक लंबी बहस है, लेकिन जो है वो अभी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि बहुत प्रैक्टिकल है, और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो है जो ये क्राइसिस है, अल्लाह ताला इस पेंडेमिक में, अब इसके भी सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने इनिशिएटिव लिया है कि अब हम जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो इसके ऊपर भी काम करना लोगों ने शुरू कर दिया। सादिक भाई हमें ज्वाइन किया है सरदारा ने, जो आपसे भी इनका ताल्लुक है,
ये देख रहे थे तो इन्होंने कहा सर आप भी थोड़ी देर के लिए आ जाएं, कोई क्वेश्चन आंसर कोई गपशप लग जाए। जी सर अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कैसे आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा कन्वर्सेशन हो रही थी और सादिक साहब आए हुए, तो मैंने कहा यार मेरे को मैसेज कर बताओ कि सादिक साहब से तो मुलाकात रही है। और जी जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा टॉपिक लेके चल रहे हैं आप, मैं तो बड़ा सुन रहा था। और आपने सही इस बारे में जिक्र किया कि हर कोई जो है वो माफिया नहीं है, बट द थिंग इज के हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है कि जब कोई चीज, जो एक दौर आया था BCS का तो सारी कौम BCS कर रही थी, एक दौर आया ACCA का तो सारी कौम ACCA कर रही है। अब वो लोगों ने देखा कि जी एजुकेशन सेक्टर में पैसा है, तो वो जो बिजनेसमैन मेंटालिटी थी वो जब एंटर हुई इस प्रोफेशन के अंदर, से जो बहुत से सीजनल एजुकेटर्स थे उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ना इतने सारे कॉलेजेस एकदम से खुल गए, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई, इतनी अच्छी बात है। अगर स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज स्टेट ओन्ड कॉलेजेस खुल रहे हैं इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। लेकिन प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं तो देयर चार्जिंग अबाउट व्हाट 35,000-30,000 रुपीस पर मंथ फॉर अ किड, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर आस्किंग फॉर अदर लाइक जो की एडमिशन फीस है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मतलब पता नहीं क्या क्या, वो पूरा एक पलंदा बन के 50,000 रुपए का जो है। अच्छा मैं इधर जी मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये कि देखिये जब भी कोई बंदा स्कूल खोलता है, ठीक है, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, वो ये कि जब भी कोई बंदा स्कूल खोलता है तो उससे पहले वो डायरेक्टरेट से जाके, जब वो स्कूल खोल रहा होता है तो उसे जाके डायरेक्टरेट में जाके अप्रूव कराना होता है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी वो क्या क्या फीस ले सकता है वो डायरेक्टरेट अप्रूव करता है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि कौन सा स्कूल क्या फीस चार्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो एक स्कूल मंथली फीस ले सकता है, मंथली फीस चार्ज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, देखिए, लेकिन ऐसे लोग भी ना 5-10% हैं जो वो क्या कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे वो एग्जामिनेशन फीस भी ले रहे हैं, वो जो है वो अलग से लैब चार्जेस भी ले रहे हैं, वो स्पोर्ट्स फीस भी ले रहे हैं, वो कोई इवेंट हो रहा है तो उसके चार्जेस भी अलग से ले रहे हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट, अगर आप जो फीस ले रहे हैं, मंथली फीस ले रहे हैं, आप वो आप फीस लें, उसके अलावा अगर कोई चार्जेस हैं तो आप किसी के ऊपर आप उसको ऑप्शनल कर दें, लेकिन आप सबके ऊपर लाजमी ना करार दें कि हर बंदे ने ये देना है, तो ये भी गलत है। तो ये चीजें भी हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं और फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। अब देखें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्शन भी लिया है तो आप उसको इंस्टीट्यूट को जाके विजिट तो करें, आप उसको क्रॉस चेक तो करें, लेकिन कोई इदारा जाके, मैं आपको बताऊं कि कहीं पे भी जाके ये चेक नहीं होता कि किसी क्लास में बच्चा क्या पढ़ रहा है और टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होंगी तो आपके साथ ये मसाइल रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी स्कूल को बंद करना होता है तो गवर्नमेंट वहां छापा मारती है, अगर किसी को थ्रेट करना होता है तो वो गवर्नमेंट वहां आ रही है, लेकिन वैसे वो चेक करने नहीं जा रही और वो सिर्फ एंड टाइम के ऊपर जब उसे कोई कंप्लेन मिलती है, कंप्लेन नंबर दे दिया है कि उस पर आप जो है वो कंप्लेन करें और फिर उसके बाद जो है ना वहां चले जाएं। अब इससे हो क्या रहा है कि देखिए जो लोग जो है वो इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि पेरेंट और एजुकेशनिस्ट ये दोनों आमने सामने इस वक्त, और गवर्नमेंट बिल्कुल साइड में हो गई है। देखिए तालीम जो है बुनियादी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, बुनियादी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। जब अगर उसने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कयाम जब हुआ, अगर गवर्नमेंट स्कूल का हाल बहुत अच्छा होगा तो कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेगा, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है तो आप उसका चेक एंड बैलेंस रखें, आप उसको चेक करें। और अगर अब हो ये रहे कि अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं दे पाती तो वो क्या करती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो है कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देती है जिससे वो क्या होता है कि वो सारे पेरेंट अब जो है उसको ऐसे समझने लग गए कि वो जो माफिया वाला वर्ड है अल्लाह माफ करे, और ये सारे मामलात हैं। तो सारे लोग एक जैसे नहीं है, ये सारे लोग एक जैसे नहीं। इंग्लैंड में मैंने ये चीज देखी कि इंग्लैंड में हुआ क्या कि बैक इन 2002 या 2001 से स्टार्ट हुआ था, जब स्टूडेंट वीजा बहुत आराम से मिलना शुरू हो गए थे, तो हमारे, अब मैं एक पिन पॉइंट नहीं करूंगा किसी खास नेशनैलिटी को, लेकिन जो हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं उनके जो लोग वहां पे फंसे हुए थे, उन्होंने जाके कॉलेजेस जो थे वो दो दो तीन तीन कमरों की बिल्ड, मतलब उन्होंने कमरे लिए किराए पे, कंपनी हाउस से अपना कॉलेज रजिस्टर कराया और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये काम चलता रहा 2007 या 2008 तक ये काम चलता रहा। गवर्नमेंट को पता कैसे चला, गवर्नमेंट ने कहा यार ये क्या चक्कर है कि ये ABC कॉलेज खुला हुआ है, लेटन रोड एक जगह है लंदन में, और उसके अंदर ये बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर ये कॉलेज खुला हुआ है जिसके अंदर 500 बच्चों का एडमिशन हो चुका है।
अब ये 500 बच्चों का एडमिशन कैसे हुआ, ये तो 3 कमरों का इनका ऑफिस है, ये 500 बच्चे किस तरह पढ़ा? अग्री, उन्होंने वहां पे छापे मारने शुरू किए क्योंकि उनको ये पता चला। देखें अभी इसको यूं देखें कि कुछ साल पहले तक जब कोई बंदा ही कहता था कि मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ तो पीपल वर लाइक वाओ अमेजिंग एक्सीलेंट फैंटास्टिक। आज लोग कहते हैं मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, कहते भाई यार हमारी मामे का बेटा भी पढ़ गया, तू क्या कोई तीर मार गया निकल यहाँ से। लोग ऐसे भी करते, लोग करते हैं। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अब जो है वो नहीं चलेगा। अच्छा, उस लॉ को पास करने से पहले उन्होंने पूरा उसके ऊपर वर्किंग की, क्योंकि देखिए उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल करा पहले, पहले उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल करा। एक जो चीज है ना वो ये है कि एक तबका किसी भी माशरे के अंदर ऐसा होता है जो कि प्राइस सेंसिटिव नहीं होता, और एक मेजॉरिटी ऑफ तबका जो होता है किसी भी माशरे के अंदर वो प्राइस सेंसिटिव होता है। हमारे यहाँ लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं वो इसलिए क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्टेटस सिंबल कि जी मेरा बेटा वो फला कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बिल्कुल सही का। अब ये माइंडसेट के साथ आप जब लेके चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए मैं खुद भी 2-3 इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड हूं और मुझे पता है वहां पे बहुत स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। इंग्लैंड जैसी जगह पर भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं कि जिसको प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वहां पे वो करीबन 900 से 1000 पाउंड पर मंथ है। 900 पाउंड का मतलब है करीबन 2.25 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, इजी, कहीं नहीं गया। यहाँ पाकिस्तान में मैं कराची में कुछ ऐसे स्कूल्स को जानता हूँ जिनकी फीस महीने की 80-85 हज़ार रुपए है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे स्कूल्स को जिनमें ओ लेवल्स की फीस जो है वो 70-80 हज़ार है, ए लेवल्स की लाख से ऊपर है, एंड देयर आर स्टूडेंट्स देयर। क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना। देखिए मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से पढ़ा है, एसएम साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया है। एसएम साइंस कॉलेज हिंद मदरसतुल इस्लाम कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स अ वेरी एवरेज कॉलेज। तो हमने हमने तो मैंने तो आहान कॉलेज में नहीं गया मैं, या मैं कॉमिक्स में, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन से, बिकॉज एट दैट टाइम आई कुडंट बी एबल टू अफोर्ड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लस इट वाज अगेन कम्स डाउन टू वन थिंग के पेरेंट्स को सही है कि आपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में डाला है, लेकिन चेक एंड बैलेंस, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो इसको एक्सप्लॉइट करेगा ये वाला जिसका वर्ड आपने यूज किया है माफिया। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था बैक इन 2012 इंग्लैंड में जो कि छपा था वहां के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। उसमें मैंने ये लिखा था कि यहाँ पर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ओपनली कहते हैं, मैं आपको बताऊं ओपनली, कि अगर आपने पैसे दिए तो आपको अटेंडेंस का लेटर मिलेगा, अगर पैसे नहीं दिए तो अटेंडेंस का लेटर नहीं मिलेगा, और अगर होम ऑफिस से कॉल किया तो हम मना कर देंगे कि तुम यहाँ नहीं पढ़ते, जबकि वो बच्चा पढ़ता है वहां पे। ये ब्लैकमेलिंग हो रही थी। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर हम फलां कॉलेज में थे, वहां से ट्रांसफर करके यहाँ आ गए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर वहां पे मैडम ये कह रही है कि अगर आपने 400 पॉइंट जमा नहीं करा है तो आपको अटेंडेंस लेटर नहीं मिलेगा। अटेंडेंस लेटर आपको चाहिए होता है जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप जब वापस आते हैं वो आपसे पूछते हैं इमिग्रेशन के ऊपर कि जी आपका कौन सा लेटर है दिखाइए। अब आपके पास वो लेटर ही नहीं है, वो कॉलेज फोन करेंगे, कॉलेज वाले कह देंगे एक बंदे ने 400 दिए थे, नहीं दिए थे, वो कह देंगे नहीं नहीं हमारे पास पढ़ते ही नहीं है, तो पता नहीं कब से नहीं आया हमारे पास। अब ये एक माफिया था और इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट अब बड़े बेहतरीन तरीके से काम किया। एक कॉलेज का क्या किया उन्होंने, कॉलेज के सामने जो बिल्डिंग थी उसके सामने कैफेटेरिया था, 4 पुलिस के ऑफिसर्स जो इसके इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वो जाके बैठ गए, उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया, वो सुबह से लेके 9:30 बजे बैठे, 8:30 बजे और शाम 6:30 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद एक हफ्ते तक उन्होंने प्रैक्टिस की, 7वें दिन वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे कि आपके कितने बच्चे आए। उन्होंने कहा जी क्लास में तो 4 बच्चे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बाकी बच्चे का है, रजिस्टर दिखाया, उन्होंने रजिस्टर मांगा, रजिस्टर में 70 बच्चों का नाम लिखा हुआ, उन्होंने कहा 70 का नाम लिखा है 4 बैठे बाकी का है, नहीं नहीं वो लेट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये 1 घंटे बैठे रहे। इन्होंने फिर वीडियो दिखा दी, इन्होंने कहा ये मंडे को इतना 4 बच्चा आया था, ट्यूसडे को 3 बच्चे आए थे, वेडनेसडे को 1 आया था, थर्सडे को आपका टीचर ही नहीं आया था। ये हरकतें जब हुई तो उन्होंने बंद कर दिया। अब हम मैं ये नहीं कहता कि हम कंपेयर करें ब्रिटिश सिस्टम को पाकिस्तानी सिस्टम के साथ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपने अच्छी देखिए एक बहुत हम तो जिस सोशल सर्कल के अंदर हैं या हम कराची की अगर बात करें तो बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो कि महीने का बच्चों का 10-15 हज़ार रुपए अफोर्ड कर सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना हमारे यहाँ की तो पर कैपिटा इनकम भी आपको पता है कि क्या है। ऐसी सिचुएशन में जो अमीर है उसको सही तरीके से निचोड़ा जाता है? आप बताएं ना ये कहाँ, ये कौन सी ये दिमाग में कहीं से हजम हो रही है बात कि एक बच्चे की फीस 85 हज़ार रुपए स्कूल की, 85 हज़ार रुपए, और उस क्लास में 30 बच्चा बैठा हुआ। अब जाहिर बात है जब इस लेवल का पैसा लेंगे तो जब पेरेंट्स आएंगे अब वो पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि नहीं आपका बेटा बेकार पढ़ता है, वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो यूं क्रिएटिव है,
इसके अंदर तो ये अच्छी क्वालिटीज हैं, ये तो कल बड़ा होकर लीडर बन जाएगा, और बच्चे को बेचारे को कुछ पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि इट्स अ बिजनेस फॉर देम. क्योंकि अगर इन्होंने असली सच्चाई बताई बच्चे के बारे में, बच्चे के पेरेंट्स कहेंगे यार ये क्या है, इतना अच्छा हमने पैसे ज्यादा किए और हम फेल हो गया बच्चा हमारा और ये हो गया. लेकिन अगेन वही वाली आपकी बात कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. यहाँ पे भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत, आपका अपना इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, मैं आया था, मैंने आपका सिस्टम वगैरह चेक किया, आपसे बातचीत हुई थी, प्रॉपर वे में आप लेके चल रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट अगेन आपका जो जो रेशो है आप जैसे एजुकेटर्स का वो कम है. उमेर खुद माशाल्लाह एजुकेशन फील्ड के अंदर है, उमेर को एक टाइम हो गया, एक रेपो बनाई दी है. अगेन ऐसे लोग कम है, बहुत कम है. असल में मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये कि एक्चुअली हुआ ये है कि जो है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हुआ ये है आज से कुछ टाइम पहले, और वो ये मामलात हुए कि जब लोगों ने देखा कि जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ 2009 में, कि जब ACCA का भी आपने नाम लिया था कि ACCA बहुत एकदम से इन हुआ और इसका बूम आया, और क्योंकि मैं प्रोग्राम मैनेजर रहा हूँ तो मुझे अनीस हसन का भी और अबीर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का भी, तो मुझे बहुत अच्छे से मैंने वो टाइम पीरियड देखा 3-4 साल का, कि जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारा बच्चा इसमें इनरोल्ड हुआ, और फिर एकदम से 3-4 साल के अंदर जो है वो फिर अब एकदम से बहुत सारे बच्चे कम हो गए. अब देखिए इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि हुआ क्या, कि जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने ये देखा कि वो जो कैलकुलेशन बेस्ड लोग थे, उन्होंने ये देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है. अब वो उन्होंने क्या करा कि फ्रेंचाइजेस ले ली डिफरेंट स्कूल्स की. अब अगर कोई किसी स्कूल की फ्रेंचाइज ले रहा है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि फ्रेंचाइज अगर आपको 10 लाख रुपए में, किसी, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल्स का, 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में आपको किसी एक ब्रांडेड स्कूल की फ्रेंचाइज मिल जाती है. आप उसमें ये नहीं देखते कि जिसको फ्रेंचाइज दे रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका उसका माइंडसेट क्या है, वो क्यों स्कूल खोलना चाह रहा है. और जब वो फ्रेंचाइज ले लेता है 15 लाख रुपए में, तो वो उस जगह के ऊपर जो है ना वो शोशा करता है, सारी चीजें करता है, एक एडमिशन ऑफिसर बिठाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसका होल सोल जो एजेंडा होता है वो ये होता है कि मैंने अर्निंग करनी है. क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज लेके आया है. फिर वो जब फ्रेंचाइज लेता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको फ्रेंचाइज दे रही है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका वहां पे चेक एंड बैलेंस करे. वो वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं करती. अब जो फ्रेंचाइज मॉडल है ना, ये सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है हमारे यहाँ एजुकेशन के जो एजुकेशन को. उसका रीजन क्या है कि जो फ्रेंचाइज दे रहा है उसको सिर्फ 10% रॉयल्टी से मतलब है. वो कहता है भाई मुझे मेरा 10% का जो रॉयल्टी आप मुझे वो दे दो, 90% जो आपके पास अमाउंट आया अब आप उसके साथ क्या करते हो उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो उसको बिजनेस जनरेट करना है. वो कहता है जी मेरे पास हर इलाके के, कराची के हर इलाके के अंदर मेरा फ्रेंचाइज होना चाहिए, और जितने फ्रेंचाइजेस होंगे उतनी ज्यादा मुझे रॉयल्टी मिलेगी, उतना ज्यादा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, उतने ज्यादा मेरी ब्रांचेस होंगी, उतना ज्यादा मेरी अम्ब्रेला में जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे. और जो फ्रेंचाइज ले रहा है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और सिर्फ इसलिए आता है कि उसे पता है कि जी मैंने यहाँ से अर्निंग करनी है. और उसके डिसीजन भी वही होते हैं कि जो एक बिजनेसमैन के होते हैं. सही. हमें ज्वाइन किया सर जुनेद ने. सर जुनेद अस्सलाम वालेकुम. सर वालेकुम सलाम. मेरे क्या हाल है, खैरियत से आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से. अच्छा सर जुनेद आदम जी के कैंपस के हेड हैं, आयशा मंदिर कैंपस के. सर हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की और एजुकेशन की, कोई सवाल कोई राय आप भी अगर शेयर करना चाहें. अच्छा मैं देख रहा था सेशन, तो उसमें 2-3 बातें मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं. उसमें देखें अभी जैसे कि COVID-19 की सिचुएशन को थोड़ा डिस्कस आप लोग कर रहे थे, पहले भी इससे बात होती रही है. आपको पता है स्कूल बंद हो गए हैं, ठीक है ना, और ये अभी जो है ना गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद है. अभी गवर्नमेंट ने जुलाई 15 दी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टाइम अभी और एक्सटेंड होगा, और 4 से 6 महीने चीजें अभी बंद रहनी है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं. दूसरी बात आप लोग ये देखें, गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप अल्टरनेट स्ट्रक्चर लेकर आ जाएं और आप पूरा स्ट्रक्चर ऑनलाइन चलेगा, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप देखें आज क्या डेट हो गई है, June 1st से स्कूल स्टार्ट करने हैं, और उन्होंने बेसिकली उस ऑनलाइन स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एजुकेशन पे कोई बात नहीं करी, कोई प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं दी, टीचरों के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं रखे, स्कूलों के लिए कोई पोर्टल नहीं डेवलप किया. मतलब हम गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम देखें इंस्टीट्यूशन लेवल पे, ठीक है ना, तो हमारे साथ क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा अलमिया है. प्राइवेटली हम जो भी चीज कर पा रहे हैं, टीचर हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, स्कूल हो गए, आपस में वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जी आप एक ऑनलाइन सिस्टम लेकर आ जाएगा, लेकिन वो कोई गाइडलाइन नहीं दे रहे
कि वो ऑनलाइन सिस्टम बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए था और अभी तक वो लॉन्च हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है अभी आखिरी अशरा चल रहा है, ईद आ जाएगी, छुट्टियां, लोग बिजी हो जाएंगे, और उसके बाद जून में वो क्लासेस स्टार्ट करनी है, वो कैसे स्टार्ट होंगी, नहीं स्टार्ट होंगी, हर स्कूल जो है वो अपनी, हर स्कूल और इंस्टीट्यूशन अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना रहा है, हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज एक सिस्टम बनाना चाहिए था और अभी तक बहुत टाइम था गवर्नमेंट को बना के वो दे देना चाहिए था, लेकिन अलमिया ये है कि कोई चीज नहीं दी जा रही है, तो ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और इसके हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लाजमी तौर पे वो कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाए और लोगों को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन को दें और उनको बाउंड करें कि सब लोग एक ही जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, और तो मेरे ख्याल से चीजें इंप्रूव हो सकेंगी। अच्छा, मैं सवाल पुट कर लू, देन फिर मैं सबको सबसे राय ले लूंगा। वो ये कि अभी बाय चांस हमारे पास तीन ऐसे लोग आ गए जो कि तीन हमारे यहाँ जो बेस मेन एजुकेशन सेक्टर्स हैं वो तीनों को देख रहे हैं, जैसे सर सादिक स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि मैट्रिक सिस्टम को लेकर चलता है, सर दारा जो कि ए लेवल्स या कैम्ब्रिज सिस्टम में टीचिंग कर रहे हैं, सर जुनेद जो इंटरमीडिएट सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक तो बात है कि हम लोग जो कि मैं समझता हूँ कि आप तीनों को मैंने देखा कि बहुत इनोवेटिव रहे, बहुत जल्दी से नई चीज़ों को लिया, यानी अभी अगर हम इस डिस्कशन में जाते हैं और डीप डाउन के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो के हम भी कुछ कर रहे हैं, हम बल्कि शायद वो एक नेगेटिव चीज को और प्रोपेगेट कर देंगे यहाँ पे अगर हमने वही बात की कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सो व्हाट माय क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, सादिक आपकी नजर में मैट्रिक के स्टूडेंट्स तक के लिए, स्कूल्स के बच्चों के लिए क्या क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल सकते हैं जो कोई स्कूल प्राइवेटली कर सकता है या पेरेंट उन अपॉर्चुनिटीज को ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में एक आइडिया था कि भाई इज इट पॉसिबल कि स्कूल्स ये करें कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक मैथ्स के कुछ छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज बना लें और उनकी फीस वो रखें लेट सपोज 1,000, 1,500 या उससे भी कम, और वो मंथली बेसिस पे उनको रन करें, तो वो पेरेंट जो कि 3,000 रुपये 5,000 रुपये अपने बच्चे को किसी स्कूल में रखा लगाए बताओ वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो एटलीस्ट वो यहाँ से उसे ई लर्निंग तो करवा ले ताकि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस तो कंटिन्यू रहे। सेम इंटरमीडिएट को लेकर जैसे चल रहे हैं इसी तरीके से सरदारा, तो जनाब इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले सर सादिक आप बताइए कि क्या स्कूल्स के बच्चे इसको लेकर चल सकते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू सर जुनेद एंड सर। अच्छा, मैं सिर्फ एक मिनट में जो है ना ये जुनेद भाई की बात को मैं जवाब दूंगा। जी जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सिर्फ एक मिनट में जुनेद भाई ने जो बात करी उस पर नजर डाल के और फिर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा सिर्फ कुछ सेकंड्स में। देखिए, गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो है पिछले जो अभी सेशन एकेडमिक सेशन गुजरा है उसके पिछले सेशन में गवर्नमेंट ने बोला था कि जो है अगस्त में नया सेशन स्टार्ट होगा और जो है वो जून तक जाएगा। बिटवीन ऑफ द सेशन गवर्नमेंट ने बोला कि सेशन जो है वो मार्च में खत्म हो जाएगा और नया सेशन जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। यानी अभी एक महीना, तीन महीने बाकी थे और बोला गया एक महीने के अंदर वो सारा सिलेबस आप कंप्लीट करें और सारी चीजें करें और नया सेशन जो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो वो तो उनकी तो सीरियसनेस का तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हमें खुद से इनिशिएटिव लेने होंगे। तो बहरहाल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं बिल्कुल अब इसमें यह कि देखिए पेरेंट और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें मैं ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम इसमें लैंग्वेज वाइज जो है सब्जेक्ट्स को बना लें और इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर लें। देखिए सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि तमाम पेरेंट और स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात समझ लें कि ये COVID-19 एक दो महीने में खत्म नहीं होने वाला। ये 6 महीने चले, 4 महीने चले, 5 महीने चले और मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगले 2-3 महीने बाद भी स्कूल खुलेंगे। मेरी पर्सनल अजम्पशंस, अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल अजम्पशंस हैं वो यही हैं कि ये 6-8 महीने तक मजीद जो है ये मामला इसी तरीके से रहेंगे। कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 6-8 महीने तो ये मामला इसी तरीके से रहेगा। तो पेरेंट और स्टूडेंट यानी अगर बच्चे जितना ज्यादा अपना टाइम जाया करेंगे उतना ज्यादा लॉस होगा। मार्च से स्कूल्स बंद है, 1st of March से सेम एज इट इज कोचिंग भी बंद है, तो जितना ज्यादा टाइम जाया होगा उतना ज्यादा उनका लॉस होगा। तो इससे बेहतर यह है कि अब वो अपना टाइम बगैर जाया करे और जो है वो जो भी उनको ऑप्शन मिले, अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करें। अब जो है मिसाल के तौर पे हमने इनिशिएटिव ये लिया है कि हम लोग ऑनलाइन स्कूलिंग जो है अपना जो पूरा जो पैराडाइम है वो उसको पूरा जो है वो डिजिटल कर देंगे और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑफर करेंगे। लेकिन उसमें भी जाहिर सी बात है कि अब हम वो कॉन्टेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम तो फॉलो नहीं कर सकते कि हम बोले कि एक पहले एक क्लास होगा फिर सेकंड पीरियड होगा फिर थर्ड पीरियड होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो उसके लिए होगा ये कि हमको जो इंटीग्रेटेड चीजों को इंटीग्रेटेड लेके चलना पड़ेगा। और एक ऑप्शन ये भी है कि हाँ डिफरेंट स्कूल्स हैं वो कुछ कोर्सेज ऑफर करें, लेकिन उसमें चैलेंज ये आता है कि हर बच्चा वो 1,500 रुपए में वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मुश्किल से सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसको हो सकता है वो कर ले, ठीक है, लेकिन अब जो स्कूल वाला बच्चा है वो स्कूलिंग को प्रेफर ज्यादा करेगा कि हाँ भाई ठीक है, और उसको हर चीज, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस तरह जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका एफर्ट ज्यादा होता है, आपको टीचर जो है आपको सिर्फ चीजें प्रोवाइड करता है, उसमें आपका जो कंफर्ट जोन है वो आपको ब्रेक करना होता है, आपका एफर्ट ज्यादा होता है, रादर देन कि अगर आप जो है कॉलेज में या आप स्कूल में आते हैं तो वहां आपके पास टीचर मेहनत करता है। अब सर दारा पढ़ा रहे, मुझे पता है वो मॉक एग्जाम्स भी लेते हैं और जो है ना वो अपना बेस्ट देते हैं, वन ऑन वन क्लासेस भी, वन ऑन वन जो है उनके सेशन, वन टू वन सेशंस भी हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से तो यहाँ स्कूल्स में ये मसाइल आएंगे कि वो जो छोटा बच्चा है उसमें पेरेंट की मेहनत बढ़ जाएगी, उसमें पेरेंट को एफर्ट ज्यादा करना होगा, स्कूल लेवल के ऊपर पेरेंट को अपना चेक लगाना होगा, पेरेंट को ये देखना होगा कि जो है मेरा बच्चा ये काम कर भी रहा है, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो वो ये इसको यूटिलाइज भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेरेंट को जिम्मेदारी जो है ना वो अब उठानी होगी। जी जी उमेर जी, सर मैं कह रहा था कि सर दारा की तरफ चलते हैं, सर आप बताएं कि कैम्ब्रिज सिस्टम के स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा सर मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए, सर आप इंटरमीडिएट को डिस्कस कर लें जब तक। उसमें उमेर दो बातें जो है ना वो ऐड अप करूंगा, सैयद सादिक साहब हुसैन साहब की बात को एड अप बैक करूंगा कि बेसिकली पहले तो हम में से जो लोग लो इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो चुके हैं, सिस्टम्स को बना चुके हैं और उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए कि वो अपने दूसरे टीचर्स को और तमाम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करें एज सून एज पॉसिबल। अगर हम एक दूसरे की इस टाइम पे हेल्प करें और जो लोग नहीं समझ पाए अभी तक उन सिस्टम्स को, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हम ट्यूटोरियल्स बनाएं, ट्रेनिंग सेशन दें और जो चीज हम अपने एंड पे कर सकते हैं इस टाइम में, बीइंग अ नेशन जो है ना, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, लोगों से को बात करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसको इसकी इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस अवेयरनेस देनी पड़ेगी, तो चीजें जाके, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने उमेर ये अंदाजा लगाया कि अभी तक लोग सीरियस नहीं हुए, अभी तक मैं आपको बताऊं ना इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं, ना बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं, ना पेरेंट बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं, लोगों ने अभी तक इस चीज को 50% से ज्यादा लोगों ने मजाक लिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट हूं तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपको इस चीज की सीरियसनेस लोगों को बतानी पड़ेगी। जैसे सादिक ने कहा, मेरी अपनी हाइपोथेटिकली अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो यही है कि 6 से 8 महीने सब बंद रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन देखें बात है, इंसान को जो है ना प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकली जो चीजें नजर आ रही हैं वो यही है कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो मुझे लगता है सबसे आखिरी सेक्टर होगा जिसको गवर्नमेंट खोलेगी। तो जाहिर है कि उसका जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है वो जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है वो दूसरों से शेयर करें, ठीक है ना, बच्चों को मोटिवेट करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें, जितना जल्दी आप इसको अडॉप्ट करेंगे और जितना जल्दी आप इसमें कोर्सेज डेवलप करेंगे, सिस्टम डेवलप करेंगे, टाइम टेबल्स, प्लानिंग, ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको मार्केट में एज सून एज पॉसिबल थ्रू करनी है। यानी आपको बच्चे को और पेरेंट्स को इस कंफर्ट जोन में लेकर आना है कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑनलाइन स्टडीज, ठीक है ना। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन लेते हैं वैसे आप अभी मैं और आप और सादिक भी तो बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और एक दूसरे की बात को समझ भी रहे हैं और दूसरे लोगों को बता भी रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल इंटरफेस, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, एक सिंपल सा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा मुनासिब चाहिए और आप उस इंटरफेस से अवेयर हो सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें स्टेप अप करना है और दूसरों को एजुकेट करना है, सिखाना इस वक्त जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने वैल्यू ऐड की सेशन में, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उमर, थैंक यू वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब सर हम मूव ऑन करते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। सर दारा से उनका प्राइवेट में मैसेज आ गया कि वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनके सिस्टम को कुछ इशू हो गया। सर तो मैं बात कर रहा था कि सबसे चैलेंजिंग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो मेरे ख्याल है आपके लिए है, क्योंकि कैम्ब्रिज का अगर स्टूडेंट है तो या ओ लेवल्स या ए लेवल के स्टूडेंट तो वो बहुत ज्यादा टेक सेवी है ऑलरेडी, वो चीजों को ले भी सकता है, अफोर्ड करता है। स्कूल के बच्चे की तो एक्चुअली स्कूल के बच्चे का मामला जैसे आपने बताया कि उधर फिर पेरेंट की एफर्ट बढ़ जाती है, तो आप बताएं आप इसमें अभी करंटली क्या कर रहे हैं अपने स्कूल को लेकर,
या आपने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं देख रहा था काफी दिनों से एजुकेशन आप टेम्स भी ले रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और उसको आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल आपने सही बात जो है वो हाईलाइट करी है कि कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं और वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आसानी से। जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा, जो मेट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे इतने कुछ के, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने स्कूल की एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने ऑनलाइन जो जो हमारी जो क्लासेस हमने उसको कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जब हमने उसको ऑनलाइन करा तो हुआ ये कि हमारे पास इस वक्त 10% पेरेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यानी आप अंदाजा करें कि 20% भी नहीं है पेरेंट जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। और अगर वो 10% पेरेंट जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अब हम चैलेंज क्या फेस करना पड़ रहा है पेरेंट को? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये, कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं जी हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ पेरेंट्स ये कह रहे हैं जी हमारे पास वो मोबाइल फोन हमारा अपना है, हम चले जाते हैं काम पे तो अगर हम बच्चे के हाथ में दे देंगे तो हम किस टाइम पे मैनेज करें। फिर कुछ लोग अवेयर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि जो है वो किस तरीके से जो है वो गूगल क्लासरूम यूज करना है या किस तरीके से लाइव आना है, तो ये जूम किस तरह यूज करना है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें है, तो हमें ट्यूटोरियल्स बना के देने पड़ेंगे। और जो अभी जुनेद आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि एज अ नेशन हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो अब इसके लिए होगा यही कि हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पेरेंट को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस सेशंस पेरेंट्स के लिए रखें, और वो इसी तरीके से मुमकिन है, जाहिर सी बात है कि पेरेंट स्कूल नहीं आ सकता तो उसे वो सेशंस भी और वो अवेयरनेस भी हमें ऑनलाइन ही देनी है, और फिर अपनी टीचर्स को भी ट्रेन करना है। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि टीचर्स को भी इस चीज के ऊपर लेके आए कि वो बच्चों के साथ यूज टू हो जाए। अब देखें जो सेकेंडरी क्लास का बच्चा है, 6 onwards का बच्चा, वो फिर भी जो है वो इस तरीके से अपना काम खुद कर सकता है। जो चैलेंजिंग होगा वो छोटे बच्चों के साथ होगा, 10 साल तक के जो बच्चा है उसमें पेरेंट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें पेरेंट्स का जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम ऑनलाइन कोई भी टास्क देंगे तो उन्हें उनके साथ काम करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें सबमिट करना होगा। तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो क्या करते जा रहे हैं कि वो जो है इन चीजों को सीखते जा रहे हैं, ट्यूटोरियल्स जो है वो देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, और वो जो 10% था उसका जो रेशियो है वो अब जो है वो डेली बेसिस पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि एक वैल्यू एडेड चीज समर वेकेशंस में जो हमने पेरेंट्स को दी कि क्लासेस ऑफ है और आप जो है वो हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं उसी फीस में, लेकिन उसको अवेल करने वाले जो लोग थे वो 10% थे सिर्फ, और बाकी जो लोग थे उन्होंने उसको अवेल ही नहीं करा। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो आई है। तो आई होप कि अब से जो है वो, और जुनेद ने एक और बात भी बहुत अच्छी बात बोली सर जुनेद ने, वो यही कि सीरियसनेस का जो लेवल है वो बहुत कम है, मतलब वो जो मसला है वो ये है कि अभी भी लोग जो है वो सीरियस नहीं है और अभी भी वो सोच रहे हैं कि ईद के बाद हम देखेंगे क्या करना है और छुट्टियां बढ़ गई हैं और ये सारे मामलात हैं। तो इसमें यही है कि अब जो टाइम है वो हाई टाइम है कि हम इसको टाइम जाया ना करें, और जहां भी अगर आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जैसे SHS जो है वो इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करेगा, और उसमें कहीं से भी ऑल ओवर पाकिस्तान अगर कहीं से भी जो है वो क्लासेस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। मैं आपसे यही सवाल भी करना चाह रहा था कि क्योंकि इस वक्त अर्ली मूवर्स बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ लेट सपोज 100 schools की बात करता हूँ तो मुझे लगता है 100 में से शायद 5% स्कूल्स हैं जो इन नए सिस्टम्स को सीख कर ये चीजों को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें से अब हमें दो गैप्स को मीट करना होगा, जैसे आपका आपके एक्सपीरियंस में कि भाई मैं कोई फी भी नहीं चार्ज कर रहा था अपने पेरेंट्स से, नॉर्मल फीस में ही मैं ऑफर कर रहा था, लेकिन एग्जिस्टिंग फीस में मेरे स्कूल के 10% रेशो था जो ये करना चाह रहा था, लेकिन दूसरे साइड पे बहुत सारे पेरेंट्स चाह रहे होंगे कि उनके बच्चों के एकेडमिक जारी रहे लेकिन स्कूल को ऐसी चीज ऑफर नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, अगर हर स्कूल के भी यानी पूरे कराची के स्कूल के 10% पेरेंट्स भी या स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहते तो मेरे ख्याल में सप्लाई साइड पर स्टिल बहुत कमी है, क्योंकि ना हर स्कूल बहुत स्पीड से उसको सीख रहा है। तो जैसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि व्हाट आई फील देयर इज अ नीड कि कोई कॉमन चीज आए, ऐसा नहीं हो कि वो आपके स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताब है, बल्कि अगर साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, जो हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, तो अब वो कॉन्सेप्ट तो हर स्कूल में या हर किताब में होगा, मुख्तलिफ अंदाज से होगा, तो वी शुड लीव द बुक एंड वी शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर अगर ऑनलाइन कोर्सेज हो, ताकि कोई बच्चा कहीं से भी उसे अटेंड करता है तो आपको मैथ्स की ऑक्सफोर्ड की बुक है या कोई और बुक है, बट ही शुड नो दैट कॉन्सेप्ट दैट मैथ्स। जी सर,
मैं आपका आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं इसमें तमाम स्कूल्स को एक सजेस्ट करना चाहूंगा, वो ये कि देखिए एक करिकुलम बनाया है जो कि नेशनल करिकुलम बनाया है, ठीक है, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान जो हर क्लास का बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम उस नेशनल करिकुलम को ले जिस क्लास का बना हुआ है, तो अगर 3 क्लास का एक नेशनल करिकुलम बना हुआ है, तो रादर देन के हर स्कूल वाला अपनी किताबें मर्जी की सिलेक्ट करे, वो क्या करे कि नेशनल करिकुलम के जो कोर कंटेंट है, जो कोर कंटेंट, जो टॉपिक्स हैं कि हाँ भाई इंग्लिश में उसको ये आना चाहिए, ये बेसिक चीजें जो एक बच्चे को आनी चाहिए, तो वो आप कोर कंटेंट पढ़ाएं बच्चे को, रादर देन कि आप बच्चे से पेरेंट्स से ये बोलें कि आप आए और बुक्स परचेस करके लेके जाए और फिर उसके बाद हम जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और फिर उसके बाद वो बच्चा पढ़ेगा, तो इस चीज पे ना पढ़े, बल्कि वो जो कोर कंटेंट है उसका बहुत सारा डेटा जो है वो अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आप उसी को यूटिलाइज करके जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आप ऑफर कर सकते हैं। अगर आप अपना कंटेंट नहीं भी बना सकते तो आप जो कंटेंट अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके और नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के साथ आप इंटीग्रेट कर लें वो टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को आप फिर लेके चलें, रादर देन कि हम अपनी अपनी अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाएं। तो ये गैप अभी जी मैं समझता हूँ कि इसमें ये कॉस्ट वाइज भी बहुत इफेक्टिव है, लेट्स क्योंकि नया कोर्स नहीं खरीदना, ठीक है ना, और आपके बच्चे का एयर भी वेस्ट नहीं होगा, यानी एक तो है कि भाई गवर्नमेंट ने आके बोल दिया यहाँ पे प्रमोट कर दिया, तो आपने बोला सही है भाई बच्चा तो प्रमोट हो गया, लेकिन मेंटली तो जी जी बिल्कुल। मैं कॉस्टिंग पे एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा माध्यम के साथ, वो ये कि जब बच्चा स्कूल आता है तो रोजाना वो घर से 50 से 100 रुपए लेके आता है, ठीक है, 50 रुपए या 100 रुपए वो रोज लेके आता है स्कूल, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। अब जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना इंटरनेट नहीं है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर इंटरनेट नहीं है उनके पास तो एक बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो आप वैन ड्राइवर को 1500 रुपए मंथली दे रहे, ठीक है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है हाँ उससे आप इंटरनेट कनेक्शन ले लें, ठीक है, उसके अलावा जो बच्चा स्कूल जा रहा है आपने रोजाना उसे लंच देना है या आपने उसे वो पैसे देने, ठीक है, कम से कम भी 50 रुपए तो वो डेली बेसिस पे अपना जो है वो एक्सपेंस करते हैं, 1500 रुपए आप ये रख लें, कितने हुए 3000 रुपए, उसके अलावा वो फिर मंथली फीस जो है वो स्कूल की अलग दे रहा है, तो इसमें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये जो आपकी कॉस्ट है उसमें आपको फायदा ये है कि आप अगर ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आपने उसी पैसों में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या लंच की जो फीस है उसी पैसों से आप इंटरनेट कनेक्शन ले लें और बच्चे को पढ़वा लें, इससे बेहतर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ना और आपका टाइम सेव हो रहा है, ना आपने लंच बॉक्स तैयार करना, ना आपने यूनिफॉर्म तैयार करना, ना बच्चे को जूते पहनाने, और बच्चा जो है वो डायरेक्टली जो है वो क्या करेगा कि जी वो जो है ना वो आके लाइव आ जाए और आके क्लास ले ले। और इसमें एक और चीज भी है, वो ये कि जो एक दो तरह की ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए ये भी समझने की जरूरत है, वो ये है कि एक तो ये कि सेल्फ पेस्ड, कि बच्चे को आपने काम दे दिया, अगर आप बच्चा 10 बजे इंटरनेट से रात को कनेक्ट होगा, वालदैन को 10 बजे टाइम मिला, वो 10 बजे बच्चे के साथ बैठे काम करवाया और उन्होंने काम सबमिट करवा दिया, जो भी वर्कशीट जो भी असाइनमेंट है उन्होंने सबमिट करवा दिया। जैसे आपके कोर्सेज होते हैं, आप सेल्फ पेस्ड कोर्सेज करवाते हैं और आप जो ये प्रोग्राम्स करवाते हैं ऑनलाइन जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें सारी चीजें सेल्फ पेस्ड होती हैं और अपनी मर्जी से वो बच्चा करता जाता है और नेक्स्ट स्टेप बढ़ता जाता है। एक होता है लाइव क्लास, जो बच्चे ने मिस कर दी, अगर उस टाइम उसके घर पे लाइव चली गई, उसने वो क्लास अटेंड नहीं करी, उसकी वो क्लास रह गई, जब उसकी वो क्लास रह जाएगी वो फिर बाद में बोलेगा कि जी मैं जो ना वो मैंने तो वो क्लास अटेंड ही नहीं करी, अब मुझे दोबारा वो चीजें चाहिए, तो ये मामला भी है। तो अगर सेल्फ पेस्ड होगा तो उसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादा आसान होगा, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा जो दूसरे स्कूल्स हैं वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम है, एक आप असाइनमेंट्स बनाएं, क्लास क्रिएट करें और बहुत आसानी से, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और बेहतरीन है कि आप जो है ना इसको जल्द अज जल्द जो इसको ऑप्ट करें। जी सही, मैं जो यहाँ पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था वो यही था कि मेरे जहन में कि अगर अगर कोई पेरेंट, लेट सपोज बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्कूल चेंज करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा बेटा, अगर मेरा मेरी बहन का बेटा, मेरे भाई का बेटा या मेरा अपना बच्चा, अगर वो लेट सपोज क्लास 5 में और उसका स्कूल बंद है और उसके स्कूल में कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने साई ने कह दिया भाई हम प्रमोट कर देंगे, मेरा बच्चा 5 से 5-6 में चला गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कॉम्पिटेंस वाइज 5 से 6 में गया? नहीं, बिल्कुल आंसर इज दैट के वो नहीं गया, ठीक है ना। अब आंसर इज दैट के वो नहीं गया तो मैं ये लोगों को वैसे ही रिकमेंड करता हूँ कि भाई इस दौरान इस लर्निंग गैप में क्या कर सकते हैं आप, कि आप जैसे सर सादिक के स्कूल का कोर्स है, अगर 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 सर के 5 क्लास ले ली ले और उसकी फीस भी बहुत नॉमिनल है और आप वो करवा लें तो उसकी वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगी, उसको एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि
जब कोविड खत्म हो और सब कुछ खत्म हो तो आप उसको स्कूल से ही उठा लें, आप उसको उसके स्कूल में कंटिन्यू कर दें। लेकिन मीन वाइल ये जो गैप टाइम है, इस गैप टाइम में अगर बच्चा नई चीज़ें सीख लेता है और उसके वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे सर ने भी बात भी की कि सर कोई बुक फॉलो करने की बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बिल्ड हो गई तो। और अच्छा शादी भाई, यहाँ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे रहे, व्हाट आई फाइंड कि अक्सर एकेडमिक से लोग भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ी होगी, सही ना, नर्सरी से मैट्रिक 13 साल इंग्लिश हो गए पढ़ते हुए। फिर मैं मैट्रिक के बाद पहुंचा एक इंग्लिश लर्निंग सेंटर जो उस वक्त बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा होगा, वहाँ मैंने 6 महीने का कोर्स किया। अच्छा, अब मेरे पर ना कोई बर्डन नहीं था क्योंकि स्कूल तो ऑफ हो चुका था मैट्रिक। अब मैं सिर्फ एक कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा था और एक लैंग्वेज कोर्सेज, तो मैं वहाँ 2 घंटे जाता था, पूरी जान लगाता था। और उस 6 महीने में जो मैंने अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट सीखे, ग्रामर सीखी, वो अंग्रेजी मैंने 13 साल की स्कूलिंग में नहीं सीखी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ स्कूल की गलती है कि स्कूल ने नहीं सिखाई, मेरे ऊपर लोडिंग होता था कि मैं मैथ से निकल के इंग्लिश में जाऊं तो उर्दू में जाऊं तो मुझे सिंधी भी पढ़नी है, तो वो तो मैं किसी एक चीज को हजम नहीं कर पा रहा। अच्छा, वहां चूंकि डेडिकेशन से 6 महीने मैंने सिर्फ वो लैंग्वेज कवर की, इस बात को आज 14 साल हो चुके, आज भी वो रजिस्टर मेरे पास है, ठीक है ना। एंड टूडे अब तक मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो भी अंग्रेजी बोलता हूँ या लिख लेता हूँ, ये उस कोर्स की नेमत है। और उस रजिस्टर को फॉलो करते हुए मैंने कई लोगों को बेसिक इंग्लिश पढ़ाई भी है। आई एम नॉट अ फुल टाइम इंग्लिश टीचर, लेकिन मैं समझता हूँ यार ये इतना परेशान है ना, तो ये चीज़ इसको हेल्प आउट कर लेगी नेक्स्ट लेवल पे, अब वो आगे जाके कहीं। सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज माई MBA। तो जब मैं MBA कर रहा था, अब अगेन वो एकेडेमिक्स था, 6 सेमेस्टर, वो हर सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब वो 6 कोर्सेज में 2-3 मेरी मर्जी के हैं और 3 मेरी मर्जी के नहीं है। अब मैं अपनी मर्जी वाले कोर्स पढ़ लेता था, जो मर्जी वाले नहीं होते थे खुदा गवाह है सर पढ़ा रहे, और मैं उधर बैठ के ना अपनी, मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा हूँ, मैं उधर बैठ के अपनी सेल्फ लर्निंग की बुक्स पढ़ रहा हूँ सर कुछ, एंड में लपेट सपेट के सबने पेपर देने थे, हमने भी दे दिए, बिकॉज दैट MBA वॉज बर्डन, वो मेरे लिए बोझ था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक पैटर्न पे चलना था। और वो जो मैं पढ़ तो रहा हूँ, टीचर पढ़ा रहा है, मैं वो किताब मैंने नहीं पढ़ी MBA में, शायद कोई एक किताब मार्केटिंग के अलावा शायद कोई सब्जेक्ट या किताब ऐसी नहीं होगी जिसके मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े, ये पूरी किताब पढ़ी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पढ़ रहा था, मैं कुछ और पढ़ रहा था, ठीक है ना, वो चीज़ जो मेरे लिए फ्री थी, जिसका मुझे पेपर नहीं देना था, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में। तो मैं समझता हूँ अगर बच्चे को इस वक्त हम मैथ्स का कोई कोर्स या साइंस का कोर्स जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो और वो यही करवा दें, और जी इस वक्त वो बिल्कुल फ्रीली उस चीज़ को लर्न कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत स्पीड में जो उसका लर्निंग प्रोसेस होगा, क्योंकि वो उसको पढ़ाई या एकेडमिक्स नहीं समझ रहा, ठीक है जी सर। असल में मामला कुछ ये है कि असल में प्रॉब्लम ये, हमें जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि जो पेरेंट की डिमांड है ना, वो ही कॉन्टेम्प्री एजुकेशन सिस्टम है जो चल रहा होता है, ठीक है। मिसाल मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अब मसला ये कि मामला ये कि अब हम 21st सेंचुरी में स्किल की बहुत वैल्यू है, जी जी ठीक है। आप कह रहे हैं मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करा, आप माशाल्लाह से इतने सारे कोर्सेज करवाते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि उसमें से कोई एक कोर्स भी अगर कोई ऑप्ट कर ले तो उसकी लर्निंग हो जाएगी बहुत सारे, ठीक है, जिसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं, आपके पास जो है मेमोरी ऑल जी मैं जी पेपर एग्जैक्टली जी मैं वही कह रहा हूँ, उसका पेपर नहीं देना, उसका किसी को पेपर नहीं देना, हाँ एग्जाम नहीं देना, और आपने स्किल डेवलप करना है। और देखें स्किल की वैल्यू है 21st सेंचुरी में, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, वैल्यू एडेड स्किल नहीं है, आप आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। देखें इस वक्त पोर्टफोलियो की डिमांड है, पूरी दुनिया आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगती है, वो ये नहीं कहती है कि आपका रिजल्ट क्या है, वो ये देखती है आप अपना काम दिखाएं, आपने काम क्या किया है, आप किस उम्र से काम करते हैं, आपका बेस्ट काम क्या है, आप हमें ये दिखाएं। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल चेंज आया है, वो अब CV की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई है, अब पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो पेरेंट को भी समझने की जरूरत है कि जो बच्चे का बेस्ट काम है अपने पास समअप करते जाएं, जो उसके अंदर स्किल्स हैं उसको ऐड करते जाएं, जितने ज्यादा उसके स्किल्स होंगे उतना ज्यादा वो लर्न करेगा, तो उसे ईगर टू लर्न हो और स्किल को भी अडॉप्ट करे, वो ज्यादा से ज्यादा स्किल की तरफ भी जाए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए सब्स्टिट्यूट्स हर चीज के अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम्स नहीं हो रहे, हमने इनिशिएटिव लिया कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, यानी हमारे स्कूल ने इनिशिएटिव लिया कि रादर देन हम क्या करें कि हम फॉर्मल टेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या करा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक लिंक पेरेंट को प्रोवाइड करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, लिंक पेरेंट को देंगे और वो लिंक हम उन्हें सेंड कर देंगे, 6-8 घंटे का टाइम देंगे। अब उस बहाने क्या होगा, MCQs बेस्ड
पेपर है, बच्चा वो सवाल तलाश करेगा, उस बहाने वो किताब तो खोलेगा। सही, अगर उसे आंसर है, किताबें सारी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ओपन बुक, आपके पास किताब भी मौजूद है, आपके पास सारी चीजें मौजूद है, आप तलाश करें और इस बहाने उसकी लर्निंग होगी, वो किताब तो खोलेगा। अगर उसने नहीं पढ़ा 3 महीने 4 महीने तो उसे ये पता हुआ कि हाँ जी मुझे इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है, तो वो ऑटोनॉमस लर्नर बनेगा, खुद से वो सीखेगा कि मुझे सवाल का जवाब कैसे तलाश करना है और वो आंसर हमें सेलेक्ट करके दे देगा। तो बहुत सारे लोगों को ये चेंज, अब हमने जब ये काम करा तो बहुत सारे लोगों को वो चीज यानी उन्हें हजम ही नहीं हुई कि यार ये कैसा पेपर है और ये कैसा रिजल्ट आएगा और ये किस तरह का इम्तिहान आप ले रहे हैं, और गवर्नमेंट ने तो पास कर दिया। मतलब आसान तरीका यही था कि हम भी पैसे ले रहे हैं और हम ये इतने सारे पेपर्स बनाते और ये सारा काम करते और हम भी सबको पास कर देते, प्रमोट कर देते, लेकिन हमने अपना बेस्ट क्या दिया, हमने बोला ओके फाइन वी विल डू एन एक्स्ट्रा थिंग, कि हम क्या करेंगे कि हम ऑनलाइन एग्जाम जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और ले लेंगे। तो पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि स्किल्स के ऊपर जाएं और ये सारी चीजें अडॉप्ट करें ज्यादा से ज्यादा, और जो कोर्सेज हो रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत मैं कहता हूँ कि बहुत ही चीप प्राइस पे, बहुत मुनासिब पैसों में चीजें अवेलेबल हैं, अगर पेरेंट्स उनको सर्च करें और वो कोर्सेज करवाना चाहें तो। मैं कहता हूँ कि अगर किसी जगह के ऊपर अगर आप जाके वो कोर्सेज करवा रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, रादर देन कि आप ऑनलाइन वो कोर्सेज बच्चों को इंगेज करें, क्योंकि जब तक वो इंगेज नहीं होंगे मीनिंगफुल एक्टिविटीज में। अच्छा, लीस्ट काम क्या कर सकते हैं वो, लीस्ट अगर कोई कोर्सेज नहीं भी कर सकता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ कनेक्ट करवा दें। मिसाल के तौर पे उमेर मलिक अवान साहब का पेज वो फॉलो करें, आपकी जितने इस तरह की जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, इस तरह के इतने लेक्चर्स आपके हैं, वो लेक्चर्स देखें, लोगों के जो डिस्कशंस हुई हैं वो उनको गो थ्रू करें। तो कम से कम वो अगर वो मैं कहता हूँ पहले तो प्रायोरिटी, तो ऑप्शन नंबर तो वन तो वही है कि कुछ ना कुछ आप ऑप्ट करें और कुछ ना कुछ काम करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मिनिमम काम तो ये कि कॉन्टेंट अवेलेबल है, कम से कम उससे ही आपकी लर्निंग हो जाए और आप इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करें रादर देन कि आप दूसरी चीजें देखें, और आप इंटेलेक्चुअल्स के साथ कनेक्ट होकर उनके कंटेंट को फॉलो करें और उसको आप देखें। तो ये तो लीस्ट काम कम से कम कर सकते हैं। सर एक दो एग्जांपल्स बता दूं जो कंसर्न पेरेंट्स हैं। तो जैसे ये लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना, तो मुझे मेरे दोनों ही पेरेंट्स मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स भी रह चुके हैं, तो उनका फोन आता है ना, एक का तो आता है कि भाई वो हमारे 2-4 बच्चे हैं जो हमारे घर के बच्चे हैं, और ना उनको बेसिक लैंग्वेज सिखानी है, उनका मदरसे का बैकग्राउंड है, स्कूल में भी परफॉर्म करने, बट हम ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें इंगेज कर लें और उन्हें बेसिक लैंग्वेज सिखा दें, सही ना, सही, और बस आप ये टाइम उनका बचा लें। अच्छा, दूसरी जगह से कॉल आती है कि भाई वो आपको टेक्नोलॉजी में जो भी आता है, अच्छा उनके साथ तो मेरा ताल्लुक ही सोशल मीडिया मार्केटिंग से था, तो उन्होंने कहा आपने जो हमारे ऑफिस स्टाफ को चीजें सिखाई है ना, वी वॉन्ट या आई वॉन्ट के वो आप मेरे घर के 12 साल के बच्चे को भी सिखाएं, बिकॉज आने वाला इस चीज का, ठीक है ना। और मैं जब जाता हूँ तो उधर वो छोटे से लेके उनके पूरी फैमिली के बच्चे, यानी भाइयों के और ये कुछ 5-10-12 बच्चे आ जाते हैं, और वो जब लॉकडाउन सख्त नहीं था तब तो मैं फिजिकल क्लासेस ले रहा था, लेकिन नाउ मैं उनकी जूम पे क्लासेस ले रहा हूँ। तो एक तो ये था। अच्छा, अब मैं आता हूँ सर, आपने जो प्लान बनाया है तो मैं हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मुझे अपने घर के बच्चों को भी इंगेज करना है और मुझे पता है कि आपकी तरफ से बड़ी जबरदस्त चीजें आएंगी, तो कब तक पॉसिबिलिटी है कि ये आप सिलसिला शुरू करें, और इज इट ओपन फॉर ऑल, कोई कहीं से भी अपने बच्चों को एनरोल करवा सकता है, दूसरा सवाल, और तीसरा इसका फी स्ट्रक्चर ऑन एवरेज क्या होगा, और चौथा अगर आपसे अब कनेक्ट करना चाहे कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर हमें मिल जाए, या क्या क्या चीज़ें, यानी ये 2-3 सवाल के अब आप क्या करने वाले, जो कि अब सिर्फ आपके स्कूल के लिए नहीं है बल्कि वो गैप को मीट करना है, जो कि दूसरे स्कूल मैं अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और बच्चे फारिग हैं तो वो हाउ दे कैन एंगेज। जी सर, देखिए इसमें तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी, ऑलरेडी क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो नेक्स्ट सेशन की क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही हैं, वो हमने जो डेट अनाउंस करी है दैट इज 10th of July इंशाल्लाह, 10th of June को इंशाल्लाह हम जो है वो 10 June से ये क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। ओपन फॉर ऑल है, पूरे पाकिस्तान से कहीं पे भी कोई भी है तो वो हमारी क्लासेस जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो उसको ले सकता है, और उसके बाद जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसमें देखें अब फी स्ट्रक्चर की अगर बात आती है तो इसमें हमारे पास हम लोग 2-3 options रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक जो होगी वो होगा सब्जेक्ट ओरिएंटेड। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी मुझे सिर्फ यही मैं इस सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ,
और मैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एक तो फीस हमारी होगी जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी और उसके कोई ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, नॉमिनल से चार्जेस होंगे, दैट विल बी 500 to 1000 इसके बिटवीन होंगे। मैं भी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो दैट विल बी बिटवीन 500 और मैक्सिमम इट विल बी 1000, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 500 के करीब उसके चार्जेस होंगे। लेकिन अगर कोई ये बोलता है नहीं जी मुझे सारे सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स जो हम ऑफर करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें सिंधी नहीं होगा और इस तरह के सब्जेक्ट्स हम लोग ऑफर नहीं करेंगे, तो कोर सब्जेक्ट्स जो हम ऑफर करेंगे तो उसके चार्जेस जो है वो तकरीबन 2000 से 2500 के बिटवीन में चार्जेस होंगे। ठीक है, मैं मैक्सिमम प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इससे भी कम पे हम जाएं, क्योंकि अभी हम सारी चीजों की कॉस्टिंग कर रहे हैं। विल इट बी सेल्फ पेस्ड और विल इट बी पर मंथ और लाइव क्लासेस? देखिए हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें होगा ये कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सेल्फ पेस्ड हमारा होगा प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, दोनों चीजें होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। उसकी वजह क्या है, देखिए अगर हम इसको लाइव क्लासेस करते हैं तो हमें कितना चैलेंज फेस करना पड़ेगा, उसकी वजह ये कि अगर जुलाई में किसी बच्चे ने एनरोल करा तो जो उसकी चीजें मिस हो गई हैं वो कैसे एडजस्ट करेगा और किस तरीके से हम उसे क्लासेस जो है वो करेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमारे पास लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड हो, और जैसे ही वो बच्चा में ज्वाइन करता जाएगा तो सेल्फ पेस्ड है, जितना ज्यादा वो लर्न करता। अच्छा, इसमें देखिए दोनों चीजें, जो पहले एफर्ट करेगा तो वो जाहिर है उसको जल्दी अचीव कर लेगा, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। और तो सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लेकिन लाइव सेशंस भी होंगे, जूम पे हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, वन ऑन वन सेशंस भी होंगे। ईमेल के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आया आप हमें ईमेल करें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। इनफैक्ट हमारी कोशिश होगी कि हम कोई एक नंबर भी ऐसा दें कि अगर आप क्लास में आपको कोई भी हमने आपको असाइनमेंट दिया, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और वो असाइनमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम आपकी वो सॉल्व करेंगे। और टीचर से वन ऑन वन इंटरेक्शन आपकी लाजमी होगी। इन अ वीक एक लाइव क्लास जरूर हम कंडक्ट करेंगे, एवरी वीक। आप फील्ड के लोगों को भी इनवाइट करेंगे, जैसे कभी मुझे बुला लिया, किसी और को बुला लिया, उन्हें बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें हमारा, देखिए हमारा एजुकेशन जो प्रोग्राम, जो हमारा स्कूलिंग है हमारी, जो जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं, उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स को इनवाइट करें और वो इंटेलेक्चुअल्स को कनेक्ट करें बच्चों के साथ, उसके उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बच्चे सीखें। क्योंकि आप अंदाजा करें कि जब एक इंटेलेक्चुअल बच्चों से मिलता है तो उससे क्या होता क्या है कि अब मिसाल के तौर पे किसी स्कूल के बच्चा कोई शायर से नहीं मिला तो उसे क्या पता कि शायरी का मजा क्या है, या अगर कोई बच्चा जो है वो किसी राइटर से नहीं मिला तो वो राइटर कैसे बनेगा, मुझे बताएं, तो उसे राइटिंग स्किल्स उसके कैसे एनहांस होंगे। तो हम इस तरह के काम करते हैं, हमने जुबैर शेख साहब को इन्वाइट करा, लोगों से मिलवाया, और इस तरह के लोगों को हमने इन्वाइट करा था कि इंटेलेक्चुअल से कनेक्ट करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ये काम भी हम अपने इस तरह के सेशंस में रखेंगे और इंशाल्लाह ये सेशंस भी रिकॉर्डेड होंगे, ये सेशंस भी हमारे सारे रिकॉर्डेड होंगे और इंटेलेक्चुअल्स को हम इनवाइट करेंगे। और अगर उसमें हम एक और काम भी करेंगे वो ये है कि जब ये प्रोग्राम हमारा जो 10th जून की हमने डेट अनाउंस करी है, एक से दो दिन में इंशाल्लाह हम ऑफिशियली इसके जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो उस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप हमारे पास एनरोल्ड हो सकते हैं। फिलहाल कोई कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आप दे दें ताकि जो लोग इस सेशन से कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि वो फिर आपके पेज या प्रोफाइल या कोई नंबर ऐसा जो देखिए आप हमारे स्कूल के पेज पे भी आ सकते हैं, facebook.com/shssschooling ये हमारा जो है स्कूल का पेज है, स्कूल का नाम है SHS स्कूलिंग सिस्टम। स्कूल का पेज में इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मैं शेयर भी कर दूंगा स्कूल का पेज। उसके अलावा अगर किसी को ईमेल करनी है तो हमें shsschoolingsystem@gmail.com इसके जी बिल्कुल सही है, यही है SHS स्कूलिंग, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर कोई हमें ईमेल करना चाहता है तो हमें ईमेल भी कर सकता है shsschoolingsystem@gmail.com इसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 0332 6977 830 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको इस पे भी हमारी टीम जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। व्हाट्सएप रिपीट कीजिएगा, 0332 6977 830 इज इट जी, बिल्कुल सही, तो आप इस पर मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये गैप बड़ा नजर आ रहा था और मेरा इरादा था कि एक तरफ वो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें
उन लोगों से जरूर कनेक्ट किया जाए जो लोग बेताब बैठे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने जो ये इनिशिएटिव लिया, अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब करे और उसका जज़ाए खैर आपको अता करे। आमीन। जज़ाकअल्लाह।